एशिया कप 2023 में भारतीय टीम ने अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। बारिश के चलते बेनतीजा रहे इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों की एक पुरानी कमजोरी फिर से उजागर हो गई थी। यह कमजोरी है बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ। संघर्ष करने के मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने बोल्ड किया था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब भारतीय बल्लेबाज बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते दिखाई दिए। यदि कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बेहतर रफ्तार और स्विंग के साथ बॉलिंग करा रहा हो तो उसके सामने भारतीय बल्लेबाजों की हालत पस्त हो जाती है, क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाजों का एंगल अलग होता है। ऐसे जब गेंद अंदर की ओर आती है तो खेलना मुश्किल हो जाता है और भारतीय बल्लेबाजों को इस कमजोरी पर काफी काम करना होगा। वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी के अलावा भारतीय बल्लेबाजों का सामना ट्रेंट बोल्ट, मिचेल स्टार्क और डेविड बिल्ली जैसे तेज गेंदबाजों से हो सकता है। देखा जाए तो टॉप ऑर्डर के तीन बल्लेबाजों शुभम गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ काफी परेशानी होती है। मिचेल स्टार्क तीन बार रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट में आउट कर चुके हैं, वहीं शुभम गिल सूर्य कुमार यादव को वह दो दो बार आउट कर चुके हैं। स्टार्क ने एक मौके पर विराट कोहली को भी शिकार बनाया था।